जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों, आज के दिन 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर वन जो आपका हुआ था, उसमें मैथ में जो सवाल पूछे गए थे दोस्तों, न्यूमेरिकल जो 15 मैथ के सवाल पूछे गए थे, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और काफ़ी अच्छा सवाल था, काफ़ी ट्रिकी सवाल था, और जो सवाल पूछे गए थे, मुझे लगता है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगा होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो वन बाई वन उस 15 सवाल को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, और आप भी मैच करा लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सवाल आपको देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रिय दर्शनी जो हैं वो क्या करती हैं, वो 4.8 kg, मतलब 4 kg और 800 ग्राम, कितना भाई, 4.8 यानी कि 4 kg and 800 ग्राम्स, ये क्या है, ये बादाम है, और दो 500 ग्राम, मतलब 2 kg और 500 ग्राम, 2 kg और 500 ग्राम क्या है, ये हमारा किशमिश है, और 3.5 kg, मतलब 3 kg और 500 ग्राम्स, ये क्या है भाई, ये हमारा किशमिश काजू है, मतलब टोटल ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको वो मिक्स कर देती हैं, और फिर उसको पैक करना है आपको, 3 दर्जन के पैकेट बना दिए, तो एक पैकेट में कितना वेट होगा आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए, इस तरीके के सवाल हर साल पूछे जाते हैं, मैंने जो मैथ्स के भी सवाल कराए थे उसमें इस तरीके के सवाल डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। देखिए, जो टोटल हमारा वेट कितना होगा, 500 ग्राम 500 ग्राम, मतलब 1 kg तो यहाँ हो गया, और 800 ग्राम, तो 1 kg 4 5 5 2 7 7 3 10, टोटल दोस्तों आपका जो वेट हुआ, टोटल हमारा जो वेट हुआ क्या भाई, वो हो गया 10 kg और 800 ग्राम, मतलब टोटल अगर हम ग्राम की बात करें तो 10,800 ग्राम हमारा वेट हो गया, और तीन दर्जन, मतलब एक दर्जन में 12, तो 3 दर्जन की बात कर रहा है, तो कितना वेट होगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 12 से करें तो 12 × 9 108, 900 हो गया, और 3 से कट करेंगे तो यानी कि 300, टोटल हमारी जो वैल्यू कितनी आएगी। देखा आपने, आसान से सवाल था, कुछ नहीं करना था दोस्तों, इसको अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आएगा 10,800, और 10,800 को आप 3 × 12, क्योंकि 3 दर्जन की बात कर रहा है, तो यहाँ से अगर करेंगे तो 12 × 9 108, 12 9 100 108, और 00 का 3 से कट कर दिया आपने, बच गए यहाँ पे 300। तो लास्ट में जो आपका टोटल वेट होगा एक पैकेट का, वो कितना हो जाएगा, 300 ग्राम्स हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपने यही टिक किया होगा और आपका ये वाला सवाल तो बिल्कुल सही हो गया होगा। अब आइए अगला सवाल, कह रहा है कि एक स्क्वायर है भाई, उसकी 5 सेंटीमीटर साइड है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो जो नया होगा एरिया वो कितना हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए, हमारे पास एक है, हमारे पास ये स्क्वायर था, अब ये जो स्क्वायर है भाई, इस स्क्वायर का साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो जब हमारा 5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। हमें पता है दोस्तों, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो 5 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जो साइड होता है उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 25, करेक्ट। अब कह रहा है कि इसको हम डबल कर देंगे, डबल मतलब कितना, 5 का डबल हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, मतलब 25 का 100, मतलब 4 times 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, ओके। आपने इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, 5 था भाई, तो 5 जब स्क्वायर है हमारा एक स्क्वायर का साइड, तो स्क्वायर 25 हो जाएगा, उसको डबल करेंगे 10, और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 25 का 100 बन जा रहा है, मतलब 4 गुना, 25 चौका 100, 4 गुना बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बहुत ही आसान सा सवाल था और मज़ेदार सवाल था, मैं आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब आइए, ये देखिए, मैथ का सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से त्रिआयामी आकृति, मतलब 3 dimensional शेप कौन सा है। अब इसको ज़रा समझिए, 3 dimensional कौन सा होगा, 3 dimensional का मतलब जिसकी साइड, जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो इस तरीके की आकृति। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, सर्कल, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, तो ये हमारा सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ ऐसे नहीं, मतलब टोटल इसको प्रॉपर करेंगे तो इस तरीके से कुछ सेमी सर्कल बनेगा। तो जो सर्कल हो दोस्तों, चाहे वो सर्कल हो चाहे सेमी सर्कल हो, ये 2D dimension होता है, 3D dimension नहीं होता। ये हमारा सर्कल हो गया, ओके। सेमी सर्कल का मतलब होता है, इसको आप हाफ से यहाँ पे कट कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाता है सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल, तो ये 2D dimension है, 3D dimension नहीं है। तो अर्धवृत्त ये वाला हमारा नहीं होगा, वृत्त भी नहीं होगा, वृत्त भी नहीं होगा। तो जो हमारा एग्जैक्ट बनेगा 3D dimension का बनेगा, वो हमारा बनेगा 4th number, option number 4, जिसमें हमारा क्या है भाई, हमारा है घन, घना, गोला, गोला, वो तो गोला देखते हैं जिसको पकड़ते हैं, जिसको फेंका जाता है, वो 3D dimension में है, वो पूरा एक 3D dimension है।
ठीक है, लेकिन जो विपरीत है वो 3D डायमेंशन में नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आपने किया बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या मजेदार सवाल पूछा है। संगीता जो है वो साबुन खरीदना चाहती हैं, ओके, संगीता जी साबुन खरीदना चाहती हैं, एक साबुन जो है जिसका मूल्य 10 रुपये, अगर उनके पास 10 रुपये होगा तो वो एक साबुन खरीद लेंगे। अच्छा, अब संगीता के पास 5 रुपये का एक सिक्का, अच्छा 5 रुपये का उनके पास एक सिक्का है, मतलब उनके पास 5 रुपये हैं, बहुत सही। 2 रुपये का, अच्छा 2 1 रुपये का सिक्का, मतलब 2 रुपये उनके पास है, और 5 50 पैसे के, 5 50 पैसे के हैं, मतलब उनके पास दोस्तों 2 रुपये 50 पैसे हैं, 2 रुपये 50 पैसे, 5 50 पैसे मतलब 2 रुपये 50 पैसे। अब कह रहे हैं उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत है, तो देखिए 10 रुपये उनके पास होने चाहिए, तो पहले देख लेते हैं कि कितने रुपये उनके पास हैं। 5 2 7 2 9, मतलब 9.50, 9 रुपीज़ और 50 पैसा, 9 रुपये 50 पैसा है, तो 10 रुपये के लिए उन्हें 50 पैसे की और आवश्यकता होगी, इसीलिए आपका ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उनके पास जब आप इसको ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे तो उनके पास, संगीता के पास कितने पैसे थे, संगीता के पास थे 9 रुपये 50 पैसे, कितने और चाहिए भैया, 10 रुपये रहेंगे तो खरीद लेंगी, तो 50 रुपये और ले लेंगी संगीता। ठीक है, वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, 50 पैसे उनको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, 50 पैसे आराम से दे देना, ज़्यादा वो लड़ाई वड़ाई नहीं करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हम देख लेते हैं, ये है, हाँ बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखना है कि कौन सा बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, सिलेक्ट द ग्रुप फ्रिक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक आकृति है, ये हमारे पास एक क्या है भाई, आकृति है। ठीक, सेम आकृति यही बना लेते हैं, सेम आकृति यही बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए ये 3 आकृति है, 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर पॉइंट में बात करें तो ये 0.25 हो जाएगा, लेकिन जिसको पॉइंट समझ में नहीं आता, मान लीजिए एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को हमने 4 भागों में डिवाइड कर देना है, इस चॉकलेट को हमने 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है, तो ये हो गया 4 बराबर। 1/3 का मतलब एक ही चॉकलेट को हम 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं, बराबर भागों में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब क्या करें, 1/2, 1/2 को अगर हम करेंगे तो एक ही चॉकलेट को 2 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर। अब कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटे छोटे पीसेस किस चॉकलेट के होंगे, तो ये 1/4 के होंगे, 1/4 का सबसे छोटा पीस होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, 1/3 का होगा, और उससे बड़ा कौन सा, 1/2। तो बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो आपका बढ़ता हुआ जो क्रम हो जाएगा, वो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/3 और 1/2। ठीक है, इसमें कई ऑप्शन दिए, 1/4, 1/3, 1/2, जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से, जिनको पॉइंट्स में समझ में आता है तो पॉइंट वाले तो आसानी से कर लेंगे, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, ठीक, 1/3 की वैल्यू होगी 0.33, 1/2 की वैल्यू होगी 0.50। तो आप इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, ये होगा, फिर उससे छोटा ये होगा, फिर सॉरी उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा, तो इस तरीके से आप इसको बढ़ते हुए क्रम में कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, अच्छा सवाल था, मज़ेदार सवाल था, थोड़ा सा दिमाग ट्रिक काम किया होगा तो कर लेंगे, बाकी जिनका मैथ बैकग्राउंड है वो तो बहुत ही आसानी से इसको उड़ा दिए होंगे। ये पूरे पेपर का, पेपर 1 का सबसे ट्रिकी सवाल, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने में समय लगेगा, वो ये सवाल है। इस सवाल में देखिए अच्छा ट्रिक लगाया है, इस सवाल में कह रहा है कि जो गैप है ना, हमें वहाँ पे क्या होगा। अब इसमें ट्रिक क्या लगाया है, देखिए पहले नंबर पे क्या है, 1 है, ओके 1 है, ओके ठीक है, पहले नंबर पे क्या है भाई, 1 है, आप ये कह सकते हैं पहले नंबर पे 1 है। दूसरे नंबर पे क्या है, तो देखिए 3 into 2, 3 into 2। तीसरे नंबर पे क्या है, 5 into 3। चौथे को छोड़ दीजिए, पांचवें नंबर पे क्या है, 9 into 5, 9 into 5। ठीक है, छठे नंबर पे क्या है, 11 into 6। सातवें नंबर पे क्या है, 13 into 7। अब देखिए 1 into 1, 1, 3 2 6, 5 3 15, 9 5 45, 6 11 13। अब आप ऐसा देखेंगे कि ऊपर की विषम संख्याएं हैं और नीचे 1 2 3 लाइन से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक, तो चौथे नंबर पे 1 3 5 के बाद जो विषम संख्या होगी, द नंबर ऑड नंबर विल कम आफ्टर 5, 1 3 5 के बाद जो होगी वो 7 होगी, और 7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, मतलब ऊपर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, यही मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे सवाल का जो सबसे ट्रिकी सवाल था पूरे पेपर का मैथ में, वो यही था, पहले में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, पहला ऑड नंबर क्या होता है, पहला ऑड नंबर 1 और इसकी मल्टीप्लाई 1 से, दूसरे नंबर पे दूसरा ऑड नंबर क्या हुई है, 3 और इसकी मल्टीप्लाई, इसका गुणा किससे, 2 से, 3 दूना 6,
तीसरे नंबर पे क्या भाई, 3 से हमें गुणा कराना है, और तीसरा ऑर्ड क्या होता है, 1, 3, 5। चौथा क्या होगा, 7, 7 का 4 से गुणा। ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और मल्टीप्लाई कराइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 13 से बन जाए 91। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा भाई, 7, 4, 28, यानी कि आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 28। कोई दिक्कत बाबू, कोई समस्या? आशा करते हैं आपने यही ट्रिक लगाया होगा। बाकी क्या आपको इसके अलावा भी कोई ट्रिक लगता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो यही ट्रिक लगता है। चलिए अगर कोई लगता है तो कमेंट में बताइए, मैं आशा करता हूँ आपने यही लगाया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल मैथ का ही सवाल है। अब देखिए ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल पूछ दिया था, एक तरफ हमारा ब्लड ग्रुप दिया हुआ ए बी ओ बी और ए बी, और दूसरी तरफ कितने बच्चों का वो ग्रुप है, जैसे 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका ए ग्रुप है, ओके, 6 ऐसे बच्चे हैं जिनका बी ग्रुप है, 12 ऐसे बच्चे हैं जिनका ओ ग्रुप है, 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका ए बी ग्रुप है, टोटल 30 बच्चे हमारे पास है। सवाल कह रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक ऊपर रहेगा, सबसे अधिक कितना है, 30 है, और सबसे कम, सॉरी यहाँ पे आप मिस्टेक कर जाएंगे, सबसे अधिक 30 नहीं है, 30 तो टोटल नंबर है, सबसे अधिक कितना है भैया, सबसे अधिक 12 है, ठीक है, और सबसे कम क्या है, सबसे कम इसमें देखेंगे तो 3 है। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:1, यानी कि 4:1 आपका सही जवाब आ जाएगा। सही जवाब आ गया भाई, 4:1 इसका सही जवाब आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये भी थोड़ा सा थियोरेटिकल, जिसको पता होगा वो आसानी से कर जाएगा। कह रहे कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला देखिए, कह रहे यदि पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाती है, यह कथन गलत है। यही कथन क्या है दोस्तों, गलत है। बाकी के और कथन देखेंगे, यदि एक आयत की सभी भुजाएँ बराबर हो, मान लीजिए हमारे पास आयत इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से कुछ आयत होता है, लेकिन अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हों भाई, सभी साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है भाई सभी सम चतुर्भुज के सभी कोण पर, सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी सारी साइड्स तो बराबर हो लेकिन उनका जो एंगल हो ना, ये नहीं, उनका एंगल 90 नहीं होता, उस सम चतुर्भुज ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब जब सारे एंगल बराबर होंगे तो 90 होना पड़ेगा, क्योंकि सारे एंगल का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो 360 होगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से ये भी कथन सत्य है, यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाती है। इस तरीके से दोस्तों जो गलत कथन हमें निकालना था, तो ये वाला जो कथन है वही गलत हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। करके आ गए थे आप, बहुत अच्छा करके आ गए। तो अब अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, मज़ेदार है, ये तो मुझे अच्छा लगा सवाल पढ़ के, लेकिन ये वो सवाल है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं, और इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर लेंगे जी। अम्बिनी जो है वो 36 सर्वसम, मतलब छोटे छोटे जो उनके पास स्क्वायर है, देखिए इस तरीके के ना, उनके पास 36 स्क्वायर है, सेम एक जैसे स्क्वायर है, कितने हैं भाई उनके पास, 36 स्क्वायर है, सेम, ठीक है, उनके पास 36। अब कह रहा है कि अलग अलग प्रकार की आयतों को व्यवस्थित कर रही हैं, अलग अलग प्रकार के आयत, तो वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग कितनी प्रकार की आयतें बना सकती हैं। अब मान लीजिए जो ये बच्ची है, अब वो कहती है कि सर हम एक ऐसा आयत बनाएंगे, जैसे ये हमारे पास 36 है ना, तो हम एक स्क्वायर यहाँ रखें और इसी के ऊपर पूरी हम स्क्वायर रखते गए, चलिए हमने यहाँ पे एक रख दिया, ठीक ठीक है, फिर उसके ऊपर रख दिया, ठीक, फिर उसके ऊपर रख दिया, तो इसी तरीके से हमने पूरे 36 रख दी। तो ये तो कोई पहली किस्म जो बनेगी वो 1 × 36, मतलब 1 × 36, यानी कि यह एक होगा, एक इधर होगा और ऊपर पूरा 36 होगा, बात सही है। अब जो दूसरी किस्म बनेगी वो कह रहे हैं सर ऐसा करते हैं हम नीचे 2 रख लेते हैं, हम एक यहाँ रख लेंगे, एक यहाँ रख लेंगे और इसके ऊपर रख दें, ठीक है भाई, ये दूसरी किस्म हो गई, तो ऊपर कितना आएगा, 18 आएगा। चलिए तीसरी किस्म क्या होगी, कह रही बच्ची हम सर 3 रख लेते हैं, चलिए आप यहाँ पे 3 रख लीजिए, तो ऊपर कितने रखेंगे, ऊपर आप कितने रखेंगे, 12 रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर कहते हैं कि हम 4 रख लेते हैं, चलिए अगर ऊपर आप 4 रख लेते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 9, एक और बचेगा आप 6 रखेंगे तो 6, मतलब इन सब का जो मल्टीप्लाई आप देखेंगे वो 36 ही आएगा, 36 बन जाए 36, 18 × 2 या 36, 12 × 3 या 36, 9 × 4 या 36, 6 × 6 या 36, टोटल यही किस्में होंगी उस स्क्वायर के माध्यम से, जितने आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, जितनी आयत बना सकते हैं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि कितनी किस्में हो सकती हैं, कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 ऐसी किस्में होंगी दोस्तों, जो 5 ऐसे टाइप्स होंगे, 5 ऐसे तरीके होंगे जिसके द्वारा आयत बनाई जा सकती है। तो ये हो गया दोस्तों 5 आपका
बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। रूबीना जो है, रूबीना कौन? रूबीना इसकी फूफी का नाम है, रूबीना। चलो तो रूबीना जो है वो 6:50 पे वो घर से निकलती है, अपनी ट्रैवल शुरू करती हैं। घर से नहीं मतलब उनकी ट्रेन जो है 16:50 पे ट्रैवल करती, उसी दिन 21:15 पे समाप्त करती। अब भाई 16:50, अगर इसमें से 10 मिनट अगर आप और जोड़ दें दोस्तों, ये हो गया आवर्स, ये हो गया मिनट, ठीक है। अगर 10 मिनट और ट्रैवल कर लेंगी तो 17 जाएगा, करेक्ट। अब 10 मिनट यहाँ पे ट्रैवल कर ली, 21 बजाना है तो 17:04, 4:10 और 15 मिनट और उनको चलना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको कितना हो जाएगा, 4:25 दोस्तों, 4:25 आपका सही आंसर हो जाएगा, 4:25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए, ये तो बहुत ही, इस सवाल में देखिए थोड़ी सी लाइट कट गई है बट एडजस्ट करिए। ये सवाल कह रहा है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का योगफल। ये बहुत ही आसान, देखिए 100 है, मान लीजिए कोई एक 100 नंबर है, इसमें आप कोई भी एक पूर्ण संख्या जोड़ दीजिए। पूर्ण संख्या आपने जोड़ दिया, मान लीजिए हमने 5 जोड़ दिया, तो ये कितना बन जाएगा, 105 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने 5 जोड़ दिया तो ये कितना बन जाएगा, 105। आप कुछ भी जोड़ लीजिए, फिर उसी संख्या को 100 में से घटा दीजिए। आपने 100 में 5 माइनस कर दिया तो क्या बच गया, 100 अगर आप 5 माइनस करेंगे तो वो 90। जब वापस आप इसको जोड़ेंगे बच्चों, फिर से वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 100। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 लाख को, 100 लाख का मतलब, 100 लाख मतलब भाई, 100 लाख का मतलब वो तो 1 करोड़ बन गया। आइए देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख। 100 लाख मतलब यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख। तो ये कितना बच गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये आपका 1 करोड़ इसका सही जवाब। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, जब 100 लाख का मतलब यह 1 करोड़, ठीक है, लाख के बाद करोड़। तो ये आपका सवाल 1 नंबर तो बस ऐसे ही आपको मिल गया आसानी से। ये सवाल देखिए, ये कह रहे दोस्तों अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, राइट, अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए एक तो बड़ा होगा नहीं, एक बड़ा नहीं होगा क्योंकि इनसे बड़े यहाँ पे 3 धुरंधर बैठे हैं जिनके पास 10.5 है। चलिए अब देखिए 10.5 के बाद यहाँ पे 1.5 है, 1.05 है, तो ये होगा नहीं। अब इन दोनों धुरंधर में से देखिए, यहाँ तक बात समझ में, अब यहाँ पे 1.05 और 1.055, तो ये वाला अधिक हो जाएगा, ठीक है, इससे अधिक ये हो जाएगा, तो ये वाला हमारा सही। देखिए ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ये तो ये हमारा, इसमें सवाल कौन सा सही हो जाएगा भाई, इसमें हमारा ये वाला सा ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। तो ये हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतना का एक गुणनखंड है, नहीं है, सॉरी सवाल देखिए कह रहा नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगी। अगर आप 11 से करेंगे दोस्तों, 11 3 जा 33, तो ये है, तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे आराम से हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी है। 5 से करेंगे 0 है लास्ट में, हो जाएगा, यानी कि 9 से यह संख्या नहीं कटेगी, तो हमारा इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा 9, क्योंकि 9 वो संख्या है जो इसका एक गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल, कह रहा है कि विषम संख्या पदों का योगफल, विषम संख्या पदों का योगफल। देखिए यहाँ से विषम लिखिए, मतलब 3 ले लीजिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में माइनस होकर 0 हो गए, प्लस 5 का मतलब 5 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, 1 2 3 4 5 विषम संख्या है ना, आप यहाँ तक भी ले लीजिए, यहाँ तक ले लेंगे तो प्लस 5 माइनस 5 0, प्लस 5 माइनस 5 0, केवल ये वाला बचेगा। लास्ट विषम संख्या में आप अक्सर हमेशा क्या बचेगा भाई, हमेशा आपका 5 ही बचेगा, तो 5 यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो दोस्तों इस तरीके से आपने 15 पूरे सवाल कंप्लीट कर लिए। यही वो सवाल थे जो आपके सीटेट के इस बार यानी कि 20 अगस्त 2023 के पेपर 1 में पूछे गए थे, मैथ के जो न्यूमेरिकल थे। बाकी जो भी CDP के 30 सवाल हैं हम वो भी देखेंगे, एक वीडियो में हम देखेंगे जितने भी सब्जेक्ट पेडागोजी है, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और EVS पेडागोजी हो, उन सारे सवालों को एक वीडियो में देख लिया जाएगा, और एक वीडियो में पूरा CDP को हम देख लेंगे। इस तरीके से आपका रिविज़न भी हो जाएगा, और इस तरीके से जो बच्चे नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनके लिए और भी सहायक हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपने सारे सवाल सही किए होंगे,
और आगे की जर्नी के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए, कमेंट में मुझे हमेशा आपका इंतजार रहता है। तो कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएं कमेंट जरूर करिए। कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कैसे आपने अटेम्प्ट किया था, कैसा लगा आपका पूरा पेपर आज सीटेट का, ये बातें जरूर आप हमें कमेंट बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।